सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का गुड मॉर्निंग हो रहा है नेत्रहाट की वादियों से। ये है नेत्रहाट का स्कूल रोड और यहाँ का क्लाइमेट भाई एक नंबर। और हम लोग साथ में एक खूबसूरत ब्यूटी भी खड़ी है जो लाल कलर की है। ये अपनी रिद्धि नहीं है, बट ये रिद्धि जैसी भी नहीं है, बट ये कौन है? ये यहाँ का भोकाल मचाई हुई है पूरे एरिया में। ये है मारुति 800 फुल्ली मॉडिफाई, फुल्ली कस्टम। और ये किनका गाड़ी है ये टैग देख के पहचान गए होगे, भैया गाड़ी है। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं स्पेशली इस गाड़ी को शूट करने के लिए। और नो डाउट ये गाड़ी अगर आपको चाहिए नेत्रहाट के अंदर, तो सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और भैया का नंबर आ रहा होगा, भैया से कांटेक्ट करें, आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे विद ड्राइवर, पॉइंट टू बी नोटेड। और नो डाउट गाड़ी देखने बहुत प्यारा है। और ये जो भाई वादियों है ना, इस वादियों में गाड़ी चार चांद लगा रही है। पूरा नेत्रहाट में गाड़ी जहां जा रही है सबका हेड टर्न हो रहा है लाइक दिस, सब जा रहे हैं, लोग देखते हुए जा रहे हैं। और बाय द वे गाड़ी भैया का पर्सनल था, भैया ने फुली कस्टम का करवाया है, पेंट वगैरह सब किया है, वेल सेट सीट वगैरह है और इजी टू ओपन है और इजी टू एक्सेसिबल है। तो मैं चलाऊंगा, देखूंगा क्या फील है, कैसे लुक प्रोवाइड करता है। तो इस गाड़ी की बात करो तो ये इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया, वही पुराना इंजन अपना लगा हुआ RCC का। 37 BHP के साथ 59 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये 3 सिलेंडर मारुति 8। तो चलिए इसको फिर ड्राइव करके दिखाते हैं। वही पुराना अपना पुराना धन्नो। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, चला तो आदत हो गया पावर स्टीयरिंग का। रंग गुलाबी नैना शरा। जा रहे हैं नेत्रहाट की ओर और नेत्रहाट मेन स्कूल है, यहाँ वो देखते हैं कि क्या आई कैची पर्सनैलिटी रखती है गाड़ी। जब भी क्रॉस करता है लोग पक्का से मुड़ के देखते हैं। और इस वादियों पे इस गाड़ी का अगर लुत्फ उठाना तो भैया इससे जगह कोई अच्छा हो नहीं सकता है। नेत्रहाट का स्कूल और यहाँ देखो पब्लिक, देख रहे हो पब्लिक, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, देख के आदमी बहुत चक्का हो जा रहा है कि भाई क्या है, क्या यार क्या चीज़ है, क्या रहे थे लोग यहाँ आधा ज़्यादा देख के एकदम भौकाल हो गया। क्योंकि ये चीज़ वाकई में नया है इस एरिया के लिए। बाकी तो आप अगर जाओगे रांची वगैरह इस तरह मॉडिफिकेशन दिखते रहता है, बट वहाँ पर इतना सुंदर वादियों इसमें नहीं दिखेगा। और जितना प्यारा जगह है उतना प्यारे गाड़ी भी भैया। अब बताइए कि इस पर कॉस्टिंग कितना पड़ा? लगभग लाख रुपए पकड़ के चलिए। तो आपने इस मॉडिफिकेशन कहाँ करवाया? ये हमने तो लोहरदगा में कराया। इसमें पार्ट्स वगैरह क्या क्या चेंज हुए? ये पार्ट्स तो सेम वही है, कुछ डिफरेंसेस ये सब लगा हुआ, जैसे आपको खड़ा होना है इस पे, जैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इसे पकड़ के आप खड़े हो सकते हैं। जैसे कुछ सलामी वगैरह देने के लिए, जैसे गार्ड के लिए अभी हमारा ऑफर भी आया था नेत्रहाट विद्यालय से, जैसे 15 अगस्त के लिए हमें ये गाड़ी चाहिए, तो बोला तो ठीक है मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सलामी देने के लिए, गार्ड देने के लिए ये अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल नया। मतलब भैया ने इस गाड़ी में जीवन बचपन बिताया है। हाँ, बिल्कुल। और अब भैया अपने एक मतलब क्या बोलते हैं मैच्योर उम्र में आ चुके हैं और दोबारा बचपन से चालू कर रहे हैं। और जितना डिमांड उस टाइम था उसे कहेंगे जो डिमांड अब हो गया। हाँ, उस समय 800 का मतलब उस समय तो क्रेज था 800, तो जिस समय हम लोगों ने इसे लिया हुआ था। हाँ। लेकिन बीच में ऐसा इतनी गाड़ियां आ गई कि 800 लोग देखना ही पसंद लुप्त हो गया। लेकिन अभी आप जैसे ही इस गाड़ी को कहीं भी लेके चलिए तो सबका नजर एक बार मुड़ेगा, ये तो गारंटी है। हाँ, ये बात हम भी पॉसिबल कर सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो लोग देखते ही देखता है। तो इसके बाद कौन सा गाड़ी सोचे हैं कि कन्वर्ट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए? क्या हमारे पास तो लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेंगे। हमारे पास इसी तरह का 800 को ही क्यों ना एक ही सेगमेंट में रखा जाए, एक डिजाइन का रहेगा, एक अपना लोगो लगा रहेगा, क्योंकि जाने लोग ये RC का गाड़ी, रॉयल चैलेंज का गाड़ी है। बरसात का क्या किया जाए भैया? बरसात के लिए तो हम लोगों ने सेट बना के रखा हुआ है। इसके लिए रखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ लगता है इसमें? ये नहीं, इस पे क्या है कि इस पे नहीं है, हमारे होटल्स पे सेट है, उस पे लगेगी गाड़ी, कुछ होना। सो अब हम लोग आ गए पीछे का सीट में और भैया ये लगा हुआ है जो चीज जो थोड़ा सा हम लोग के लिए कम्फर्टेबल है पीछे, क्योंकि ये सीट आगे नहीं सकता। बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू किया गया गेस्ट के लिए, ताकि गेस्ट अच्छा से बेस्ट बैठ सके। बाकी ड्राइवर तो भाई जैसे चलाए उसको मतलब नहीं है। तो ये चीज ड्राइवर पर्सपेक्टिव में थोड़ा कंजेशन, बट ऐसा ठीक है।
कोने, बाकी पीछे डिक्की वगैरह सामान रख सकते हो, कैमरा इक्विपमेंट वगैरह अगर आपको चाहिए फोटोज वगैरह शूट करने के तौर पे तो यहाँ करा सकते हो। पहले इसको वकील और बहुत बड़े एडवोकेट वगैरह उसको ऑन करते थे, लेकिन हाँ, और ये गाड़ी वाकई में अपने टाइम का गेम चेंजर रहा है, किसी को देखते बट अब इसका क्रेज कम हो गया क्योंकि यू नो वक्त के साथ लोग बदलते हैं, बट अभी भी यही इंजन ऑलवेज 100 और सेम स्पेस जो भी आते हैं सेम स्पेस आता है। और इसका इंजन भाई बहुत लाजवाब है, गाड़ी 1 लाख चलने वाली है। गाड़ी कितना साल पुराना हो गया? आप सोच रहे हो 2003 में गाड़ी है, मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब 20 साल क्रॉस कर गया है। अब 20 साल पुराना गाड़ी देख रहा हूँ, पब्लिक का देखो ऐसा भाई, पूरा पब्लिक देख मुड़ू देख रहा है, तो 20 साल पुराना गाड़ी आज भी रनिंग कंडीशन पे और आपको नेत्रहाट सड़कों में चलता है। ऐसे तो बहुत पुराना और भी गाड़ी है मार्केट में, बट मैं जहाँ पर हूँ वह उसका बात कर रहा हूँ। नेत्रहाट के मौसम के हिसाब से बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतर। ये रहा भैया का होटल, आपने पिछली वीडियो में बताया था, हम कर लेते हैं। कितना मजा आया? तो क्या बोलते हैं इस तरह अपना नेक्स्ट वन किया जाए क्या? मजा आ जाएगा। तो ये रहा अपना, यहाँ पर कुछ छोटा सा फुटेज लिया, आपको बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और नो डाउट गाइज भाई, यहाँ आने के बाद ना एक अलग फील आता है, बट इस तरह का अगर अपने साथ यूटिलिटी मिले, गाड़ी मिले तो क्या मजा हो जाएगा, क्या मजा आएगा। तो भैया बताइए, अगर जो हम चैनल नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, करे पड़ेगा, करोगे कहाँ जाओगे, कहाँ से देखोगे इस सब। तो चैनल को क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और वीडियो मिलते हैं किसी को नेक्स्ट, बाय बाय।